घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? कैसे जॉली रेडी ने पलट दी बाजी? क्यों हुई पुष्पा को जेल और क्यों पुष्पा पर लगा अपने ही परिवार को मारने का आरोप? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। पर वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आई हूं। मैं बताना चाहती हूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे 1980 से 1990 के बीच में रेड सैंडलवुड इंटरनेशनली फेमस हो गया था। इसी वजह से बड़े बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड डॉन, पॉलिटिशियंस सब इस बिजनेस में एंटर करना चाहते थे और पुष्पा राज ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने लाल चंदन के ऊपर 30% का टैक्स लगा दिया। पुष्पा राज के डर के सामने सबको झुकना ही पड़ा। कुछ ही टाइम में पुष्पा लाल चंदन के बिजनेस का किंग बन गया। दूसरी तरफ जॉली श्रीवल्ली को किडनैप करने के लिए पुष्पा के घर गया, लेकिन श्रीवल्ली उस वक्त वहां नहीं थी। और उस वक्त पुष्पा राज का सौतेला भाई पुष्पा राज की माँ और पुष्पा राज को मुलेठी परिवार में शामिल करने आया था, लेकिन जॉली रेड्डी ने पुष्पा राज की माँ, केशव और उसके सौतेले भाई को मार कर पुष्पा राज को घर बुला लिया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। जॉली रेड्डी पुष्पा राज को एक झूठी कहानी बताता है। वो कहता है कि वो वहां लाल चंदन के माल की डिलीवरी के पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर हुआ उसने पुष्पा के सौतेले भाई को देखा जो उसकी माँ और उसे मारने आया था। और जब केशव ने पुष्पा राज की माँ को बचाने की कोशिश की तो पुष्पा राज के सौतेले भाई ने भी उसे जान से मार दिया और उसकी माँ को भी मार दिया। आगे वो कहता है कि पुष्पा राज के सौतेले भाई ने उस पर भी हमला किया और उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और उसमें उसने उसे मार दिया। अब पुष्पा राज अपने दोस्त और माँ की लाश देखकर इमोशनल हो जाता है और जग्गा रेड्डी और एमएलए भी वहां पहुंच जाते हैं। जग्गा पुष्पा राज को कहता है कि मुलेठी परिवार ये नहीं चाहता कि वो और उसका परिवार जिंदा रहे, इसलिए उसका सौतेला भाई उसे और उसकी माँ को मारने यहाँ आया था। अब पुष्पा राज गुस्से से भर जाता है और अपने सौतेले भाई के घर चला जाता है। उधर मुलेठी परिवार के सदस्य को लगता है कि पुष्पा राज ने अपने सौतेले भाई को मार दिया है, इसलिए पुष्पा राज के वहां पहुंचते ही वो उस पर हमला कर देते हैं। बदले में पुष्पा राज भी अपने ही दूसरे सौतेले भाई और चाचा को एक एक करके मार देता है। तभी वहां पुलिस यानी आईपीएस शेखावत भी पहुंच जाते हैं और अपने भाइयों के कत्ल के जुर्म में वो पुष्पा राज को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। पुष्पा राज के जेल में जाते ही मंगल सिन्हू, जॉली रेड्डी और जग्गा रेड्डी सब एक हो जाते हैं और फिर एक बार रेड सैंडलवुड के बिजनेस पर कब्जा कर लेते हैं। अब किसने रची थी पुष्पा राज के खिलाफ साजिश, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।